एटीएस एसपी राजेश साहनी की मौत के बाद जांच रिपोर्ट को लेकर आईजी एटीएस असीम अरुण द्वारा उठाए गए सवाल एक बार फिर तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं उठ रहे सवालों के बीच शुक्रवार को पहली बार राजेश की पत्नी सोनी साहनी मीडिया से मुखातिब हुई। सोनी के मुताबिक राजेश एटीएस से तबादला चाहते थे। इस तबादले के कारण को लेकर सोनी का कहना है कि उत्तराखंड से कथित आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी के बाद वह तनाव में जी रहे थे। हालांकि इन चीज़ों का जिक्र कभी भी उनके द्वारा खुलकर नहीं किया गया, लेकिन साथ रहने के दौरान सोनी को यह एहसास हुआ। सोनी बताती हैं कि राजेश कभी भी ऑफिस की बातें घर पर डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन तबादला लेने की बात उनके द्वारा ही कही गई थी। परिवार में सब कुछ सामान्य था, जहां एक और जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद आईजी एटीएस असीम अरुण दफ्तर के बाहर मौत की वजह होने की बात कह रहे हैं, वहीं राजेश की पत्नी सोनी के अनुसार घर में सब कुछ सामान्य था। घर के भीतर ऐसी कोई वजह नहीं थी जिसके चलते राजेश को खुदकुशी करना पड़े। हालांकि इसी बीच सोनी ने यह भी कहा कि छोटी मोटी बातें सभी घरों में होती रहती हैं, लेकिन घटना वाले दिन परिवार में किसी भी चीज़ को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ था। सोनी के अनुसार 28 मई को एटीएस ऑफिस से फ़ोन आया और राजेश छुट्टी पर होने के बावजूद कथित आईएसआई एजेंट के बयान के लिए कोर्ट गए, फिर वहीं से ऑफिस गए और शाम को वापस घर लौटे। इसके बाद 29 मई की सुबह भी वह ऑफिस और भंडारे जाने की बात कहकर घर से निकले। इस कारण नहीं हो सकी सीबीआई जांच। एटीएस एसपी राजेश साहनी की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश डीजीपी ओपी सिंह और प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार के साथ बैठक के बाद लिया था, जिसके बाद बुधवार 30 मई 2018 को गृह विभाग की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई थी, लेकिन प्रस्ताव भेजने में तकनीकी चूक के चलते सीबीआई जांच नहीं हो पाई। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार मामले में पुलिस की ओर से एफआईआर न दर्ज करना सबसे बड़ी चूक थी। दूसरी गलती केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में राजेश साहनी के परिवार की सहमति से जुड़े पत्र का न होना भी था, जिन दो वजहों के चलते सीबीआई ने केस को अपने हाथ में लेने से इनकार कर दिया। एडीजी जोन की रिपोर्ट पर संदेह नहीं। जहां एक ओर एडीजी जोन की जांच रिपोर्ट को लेकर आईजी एटीएस असीम अरुण द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं राजेश साहनी की पत्नी के अनुसार उन्हें जांच रिपोर्ट पर कोई संदेह नहीं है, वह पूरी तरह इस रिपोर्ट से संतुष्ट हैं। वहीं उनका कहना है कि अगर मामले में सीबीआई जांच होती है तो उन्हें इस बात से कोई भी इनकार नहीं है। हालांकि सीबीआई जांच को लेकर लिखित सहमति के सवाल पर उन्होंने इनकार किया है। न्यूज़ टाइम्स के लिए गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएँ।